हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो अक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए होने वाली है। इसमें अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस टाइम पे क्या एनर्जी है, क्या वो आपके पास वापस आएंगे। और अगर आप लोगों की बातचीत बंद हुई थी या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो किस वजह से हुई थी, इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। जितनी मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है। तो चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि, जिसको माइंड में रख के इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी बातचीत क्यों बंद हुई। प्लीज एंजल गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, करंट फीलिंग ये है, आपके पर्सन आगे क्या करना चाहते हैं, उनकी विश क्या है कि आगे क्या हो, प्लीज एंजल गाइड कीजिए। ओके, इज ऑफ पेंटिकल। इसके अलावा हम जानेंगे क्या आपके पर्सन आपके पास कम बैक करेंगे। प्लीज एंजल गाइड कीजिए एक्वेरियस के पर्सन क्या कम बैक करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स का। एक्वेरियस, हर कोई रीजन जानना चाहता है कि हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता था तो उसमें खराबी कहाँ पैदा हुई। तो कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन की या दोनों की अपने अपने लेवल पे ये एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के आदि हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई बात बोलनी है तो बिना लाग लपेट के दूसरे के मुंह पे बोल दो, चाहे किसी को बुरा लगता है तो हमारी बला से। दूसरा, एक स्पेस बना के रखना, या तो वो आपकी फीलिंग होगी या आपके पर्सन की होगी कि हाँ, जरूरत से ज्यादा किसी को अपने लाइफ में नहीं घुसने देना है। जब प्यार होता है तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा इसके ऊपर हक है, इसको हमें बताना चाहिए था ये चीज़, अगर कहीं गया है तो मुझे बताकर नहीं गया, या ये चीज़ मुझसे छुपाई, क्यों छुपाई। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है दूसरे ने आपको वो बात किसी वजह से ना बताई हो, या ये उसकी आदत में शामिल हो कि उसको अपनी सारी बातें किसी को नहीं बतानी है। यहाँ मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो यही बोलता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऑनेस्ट है, सही है, अच्छा है, बट एक तो छोटी छोटी बातों में से कुछ लोग आपको ये आदत हो सकती है या आपकी ये चाहना हो सकती है कि मेरा पर्सन जो है वो मुझे छोटी छोटी बातों पे पैम्पर करे या मेरी तारीफ करे, है ना। तो ये इस टाइप का पर्सन है कि ये ऑनेस्ट है, बट ये मैच्योरिटी वाला इसका नेचर है। अगर आप जरूरत से ज्यादा रोमांटिक होने की उम्मीद करेंगे तो हो सकता है कि ये ना हो। एक सिंगल पर्सन की भी मुझे ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप या आपका पार्टनर सिंगल हो। तो जो लोग सिंगल पर्सन होते हैं वो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल झेल चुके होते हैं, तो उनका नेचर जो है वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, वो ऑनेस्ट जरूर होते हैं और साफ बातें वो दूसरे के मुंह पे कहने के भी आदी होते हैं। कितनी बार ऐसे लोगों का मैच दूसरे के साथ में नहीं बैठ पाता है क्योंकि लोग उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, तो कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है। और आपके पर्सन की थोड़ी सी मेरे को दिमागी टेंशन भी लग रही है कि रिलेशनशिप के अलावा और भी चीजें उनकी लाइफ में होंगी जिनको उनको मैनेज करना पड़ रहा होगा, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके किसी ने बहुत ही ज्यादा बातें उनको कह दी होंगी, तो वो थोड़ा सा स्पेस बना के चल रहे होंगे जो चीज आपको पसंद नहीं आई और इस वजह से आप लोगों के झगड़े हो जाते होंगे। ये एक रीजन है आपके अलग होने का। दूसरा, हम देखते हैं इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जी, वो आपको मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे जो कुछ भी उनके सामने है उसको ध्यान में ना दे के वो पीछे के जो चीजें थी उनको याद कर रहे हैं, और याद करके उनका मन उदास हो रहा है। ये एक ऐसा कार्ड है
सॉरी, ये एक ऐसा कार्ड है जो पीछे देखने को बताता है, ना कि सामने आगे बढ़ने को बताता है। पीछे देख रहे हैं वो आपके साथ में कुछ स्पेशल मोमेंट उन्होंने बिताए होंगे जिनको वो याद कर रहे हैं, कुछ रिग्रेट भी इनको उनको फील हो सकता है कि ये चीजें, ये मेरे हाथ से ये रिश्ता क्यों गया, या ये गलती थी इसको सुधारा जा सकता था, क्यों नहीं सुधारा। इस टाइप की एक उदासी की इस टाइम पे उनकी फीलिंग बनी हुई है। हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग भी हम करते हैं तो लोग यही जानना चाहते हैं, हमारे पर्सन हमको याद कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो यस, आपके पर्सन जो है आपको याद कर रहे हैं, और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, अगर कोई दूसरा पार्टनर भी है, अगर कुछ लोगों के मामले में ऐसा हो सकता है, तब भी उनका ध्यान उनकी तरफ ना होकर आपकी तरफ है, और वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उन मोमेंट को वो दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। उनके दिल से जो इच्छा है वो यही है कि ग्रोथ की तरफ जाएं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप चाहेंगे किसी चीज़ को, देखिए इस जो पेंटिकल आया है, एक कंप्लीट पैकेज आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं कंप्लीट तरीके से सही हो जाएं, अच्छी हो जाएं, चाहना है, ये उनके दिल की चाहत है। और हमारा क्वेश्चन था कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। यस, आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो एक रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री वाला वो रिलेशनशिप चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि आपका झगड़ा जो है वो कमिटमेंट के पीछे भी हो, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप किसी मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं या आप मैच्योर होंगे, कमिटमेंट के पीछे भी झगड़ा हो सकता है। ये आपके पर्सन जो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये एक बिंदास तरीके से जैसे घूम लिया फिर लिया, एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर लिया, दोस्त बन गए, रोमांटिक टाइम हो गया, मतलब उसमें कमिटमेंट नहीं है, एक बंधन नहीं है। जैसे हम एक रिश्ते में चाहते हैं कि बंध जाएं, ये रिश्ता अब प्यार से हटके शादी में तब्दील हो जाए, तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में जरूर चाहते हैं। अगर शुरुआत अच्छी होगी, दोबारा से आपका रिश्ता बिल्ट होता है, किसी वजह से अगर खराब हो गया था तो डेफिनेटली आगे वो ग्रोथ करेगा। बट एक चीज और बता दूं कि जो आप चाह रहे थे वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसमें थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन हाँ आपके पर्सन की फीलिंग अच्छी है, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा रिश्ता बिल्ड करना वो चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी एक्वेरियस, आई होप आपको पसंद आई होगी। कितनी रेजोनेट करी, मैच करी, प्लीज कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ताकि हमको पता लग सके कि ये रीडिंग किस किस के साथ में कितनी मैच कर रही है। अगर आप अपने सिटी का नाम नीचे लिख देंगे तो ज़्यादा हमें आसानी होगी, अच्छा लगेगा हमें कि हाँ कहाँ कहाँ तक वीडियो जा रही है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कॉल पे होती है, आपके सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए जाते हैं, बट पर्सनल रीडिंग पेड है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग पेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें हौसला मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।